अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख नोमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पे एक नज़र। 78वीं योम आज़ादी यानी आज 15 अगस्त के मौके पर मदरसे जामे मरियम अलैहिस्सलाम लील बन्नत किले गोलकुंडा में वाक़ है, जहां पर कौमी तिरंगा लहराया गया और कौमी तराना भी गाया गया। इस मदरसे के उलमा ने अपने खिताबात पेश किए और बच्चों ने अपने जज्बे को प्रोग्राम की शक्ल में पेश करते हुए सभी को मुतासर किया। कौमी तिरंगा लहराने के बाद बच्चों में मिठाई भी तकसीम की गई। वाज़ह है कि अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी के लिए हमारे कई जांबाजों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर अंग्रेज़ों से काफ़ी जद्दोजहद करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को 1947 को आज़ाद करवाया था। आज मुल्क यौम आज़ादी के 78 साल की खुशी मना रहा है। उसी के एक हिस्से के तौर पर मदरसे जामे मरियम अलैहिस्सलाम लील बन्नत में भी 78वीं यौम आज़ादी बड़े ही जोश व खरोश से मनाई गई। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के चंद मनाजिर। अब आजादी से हटकर जिंदगी के अहम मकसद पर रोशनी डालने के लिए मैं जामिया के वाइस प्रिंसिपल मोहतरमा रेहाना साहिबा हफिज़हल्ला को जवाब दावत देता हूं कि आप आए और अपना खिताब पेश करें। दौराने मिली के चंद अशार आपके सामने पेश करता हूं, इंशाअल्लाह आवाज यहां तक साथ दे दे। चीनो अरब हमारा विंडो जनाब सदर इमरान साहब, मेहमानों ने खुसूसी असातिज़ा इकराम जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों के सामने ये जो करीब करीब एक घंटे से या सवा घंटे से इज्तिमा यहाँ पर हो रहा है, जो प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया गया है, उसका खुलासा कलाम आपके सामने पेश किया जाए। मैं तो एक तालिबे हूं, आई एम ए स्टूडेंट।
कोशिश करूंगा कि जो जो बयान यहां पर हुए हैं उन पर सरसरी नजर डालूं। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से शुरू किया गया, उसके बाद मौलाना तैयब हिलाल सलाम अली साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आजादी हिंद के बारे में मुख्तसर मगर मुफीद बयान किया। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज से 78 साल पहले हमें इसी के दिन ही 1947 को जो हमें आज़ादी हुई मिली। अब ये जितने भी अपने जो अच्छे मुस्लिम्स हैं ये समझते हैं कि आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। कोई सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको एक दीनी मजलिस में बैठने का मौका इनायत फरमाया। बातों में अपनी जानिब से और जिम्मेदारान जामिया की जानिब से तमाम मेहमानान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारे इस मजलिस में तशरीफ लाए और हमारे तलबा और तालिबात के तकारीर सुनने के बाद अपनी तासुरात पेश किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन